दिस इज मनोज कुमारी वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल मैथ फ्रेंड एंड टूडे वी विल डू एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट टू एंड क्वेश्चन नंबर नाइन देखिये नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है बेटा टॉप सरफेस ऑफर रेज प्लेटफॉर्म इज इन द इज इन देप ओफ आर रेगुलर ऑक्टागन कहता है कि जो टॉप सरफेस है किसका रेज्ड प्लेटफॉर्म का वो किस शेप का है रेगुलर ओक्टागन है एज शोन इन फिगर कि जैसा कि फिगर में दिखाया गया है अब हमें एरिया निकालना है फाइंड द एरिया फाइंड द एरिया ऑफ ओक्टागोनियल सरफेस कि ओक्टागोनियल जो सरफेस है उसका क्या निकालना हमें एरिया निकालना है क्या निकालना है एरिया अब देखो फिगर को समझो आप ये हमारे पास एक क्या है ओक्टागन है क्या है ओक्टागन है अब हमने क्या कर लिया इसको इससे ज्वाइन कर लिया और इसको हम कर लेते हैं इससे ज्वाइन ठीक है बेटा अब ये जो फिगर है ये हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो देखो ये जो शेप दिख रही है आपको ऊपर और नीचे इस तरह की ये जो सेप है ये इसका वन पेयर क्या है पैरेलल है तो ये जो शेप है ये क्या है एक ट्रेपीजियम है क्या है एक ट्रेपीजियम है अब ये आमने सामने साइड इक्वल है तो ये इलेवन मीटर है तो ये भी कितनी है बेटा इलेवन मीटर है अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन कि इस पूरे का अगर हमें एरिया चाहिए तो हमने फिगर थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लिया फर्स्ट और इसको नाम दे देते हैं हम सेकंड और इसको नाम दे देते हैं हम थर्ड ठीक है बेटा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको नेम दे दो चाहिए ए बी सी डी ई एफ जी एच ठीक है ये इस ओक्टागोनियल जो सेप थी उसको हमने नाम दे दिया तो इसका निकालना हमें एरिया क्या निकालना इसका एरिया तो हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ओक्टागोनियल सरफेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ पार्ट सेकंड प्लस एरिया ऑफ पार्ट थर्ड तीनों पार्ट का एरिया कौन कौन से फर्स्ट पार्ट का एरिया सेकंड पार्ट का एरिया और थर्ड पार्ट का एरिया प्लस कर दे तो इस टोटल जो ये ऑक्टागोनियल शेप है इसका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा अब देखो फर्स्ट पार्ट का एरिया और थर्ड पार्ट का एरिया दोनों ही क्या है

ये कितनी साइड दे रखी है ये दे रखी है फाइव ये कितनी दे रखी है बेटा फाइव सेंटीमीटर क्योंकि सारी फाइव है ना ये टगोनियल ये फाइव ये भी फाइव तो ये कितनी है वन बाई टू इंटू समय पार्ट से कितनी हो जाएगी इलेवन इंटू फाइव प्लस एरिया ऑफ पार्ट थर्ड वही हो जाएगा वन बाई टू इंटू समल साइड्स तो इलेवन प्लस में फाइव तो तो ये भी कितनी है फाइव और मल्टीप्लाई बाई एच एच ये कितना है बेटा फोर दे रखा है इलेवन मल्टी इलेवन प्लस फाइव और मल्टीप्लाई बाई एच एच की वैल्यू कितनी है फोर है और यहाँ भी एच की वैल्यू कितनी थी बेटा फोर थी एच जो है ना डिस्टेंस बिटवीन दम तो ये जो है ये कितनी है फोर है तो ये ये चीज और ये चीज़ दोनों क्या है सेम है अब देखिए वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई इलेवन और फाइव कितने हो जाएंगे सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई फोर और इलेवन फाइव जा कितना हो जाएगा फिफ्टी फाइव प्लस ये वन बाई टू इन कितना हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई फोर टू वन जा टू टू एट जान एट और फोर की मल्टीप्लाई बताओ एट फोर जा कितना हो जाएगा थर्टी टू प्लस में फिफ्टी फाइव प्लस टू वन जा टू टू एट जा सिक्सटीन एट फोर जा थर्टी टू एड करो थर्टी टू और थर्टी टू सिक्सटी फोर हो गए और प्लस में कितना आ जाएगा फिफ्टी फाइव ऐड करो इनको फाइव और फोर नाइन और सिक्स और फाइव कितने हो जाएंगे वन हंड्रेड नाइनटीन और मीटर स्क्र ये क्या आ गया एरिया आ गया इस सरफे सरफेस को सरफेस uh, का क्या आ गया एरिया आ गया तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था ये फिगर गिवन था इसका एरिया क्या होगा तो हमने क्या किया है इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और फर्स्ट सेकंड और थर्ड और तीनों पार्ट का एरिया क्या कर दिया है प्लस कर दिया है जो कि हमारे पास आंसर आ गया है वन वन नाइन जो पहला जो पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है वो क्या है ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है बीच में रेक्टेंगल आ रही थी रेक्टेंगल तो इन फॉर्मूलाज का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को क्या किया है सोल्व किया है तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर नाइन कंप्लीट होता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा